हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर को सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम तो ऐसा सिस्टम जो कंटेन करता है बच्चों लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे क्या होते हैं ज्यादा अमाउंट में आयंस है, होते हैं एटम्स होते हैं फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्ज नंबर में पे हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं तो वो सिस्टम क्या हो जाता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम सो सिस्टम कंटेनिंग कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ particles like atoms molecules ions is called a macroscopic system macroscopic system तो वो सिस्टम क्या होता है बच्चों मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी तो वो प्रॉपर्टी जो एसोसिएट होती हैं बल्क बिहेवियर के साथ में जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनके बल्क बिहेवियर के साथ में बच्चों जो एसोसिएटेड होती हैं प्रॉपर्टी वही क्या हो जाएंगी हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर इसमें आ जाएंगे लाइक टेम्परेचर है प्रेशर है वॉल्यूम है तो ये सब क्या है माइक्रोस्कॉपिक प्रॉपर्टीज होती हैं सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम associated with the bulk behavior the bulk behavior of large number of particles large number of particles in macroscopic system स्कोपिक सिस्टम इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे मुझसे मैक्रोस्कॉपिक प्रॉपर्टी बोलेंगे बच्चों या फिर बल्क प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और बल्क प्रॉपर्टी तो माइक्रोस्कॉपिक प्रॉपर्टी क्या है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम एसोसिएटेड विद द बल्क बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और बल्क प्रॉपर्टी उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप के अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है सो द माइक्रोस्कॉपिक प्रॉपर्टी दाइक्रोस्कोपिक The macroscopic properties can be divided into can be divided into following two types. The first one extensive property extensive. property and next one intensive property intensive property ठीक है बच्चों तो जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप के अंदर भी टू टाइप्स की होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अनदर वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब इनको हम समझते हैं क्या होती हैं फर्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों तो वो प्रॉपर्टीज जो तो डिपेंड करती हैं कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगे लाइक like, मास है वॉल्यूम है इंटरनल एनर्जी है तो ये सब क्या है डिपेंड करती हैं कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर में तो ये क्या हो जाएंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सो द प्रॉपर्टीज Properties which depend on the quantity of matter, quantity of the matter present in the system are called. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी लाइक मास वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी हीट कैपैसिटी एटसेट्रा इसके बाद आई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव so, प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हो जाएंगे बच्चों जो डिपेंड नहीं करते सिस्टम के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगे लाइक टेम्परेचर है प्रेशर है वॉल्यूम है तो ये सब क्या है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है बिकॉज डिपेंड नहीं करते कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर सो दो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज are independent independent of the quantity of matter quantity of matter present in the system present in the system are called intensive properties इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो वो क्या हो जाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगे टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी डेंसिटी स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक Heat refractive index, refractive index. तो ये सब क्या है बच्चों हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी स्पेसिफिक हीट इंडेक्स क्यों है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड नहीं करती सिस्टम के अंदर कितना ऑफ मैटर प्रेजेंट है और देखिए बच्चों एक जो मेन पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव होती है नेचर में जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो एडिटिव नहीं होती नेचर में ऐसा क्यों है उसको हम देखते हैं तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर

यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं एडिटिव है, है नेचर में जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो एडिटिव नहीं है नेचर में इसको हम कैसे समझेंगे तो यहाँ पे लेते हैं हम बीकर और इसके अंदर हम लेते हैं पानी ठीक है ये हमने क्या लिया है पानी लिया है बीकर के अंदर वॉटर ठीक है बेकर के अंदर हमने पानी लिया है और इसके वॉल्यूम को जब हम डबल करते हैं और इसके वॉल्यूम को क्या कर दिया हमने डबल कर दिया वॉल्यूम को डबल कर दिया इस पानी के वॉल्यूम को हमने क्या किया फर्स्टली डबल किया तो हमने क्या देखा जो मास है वाटर का वो भी क्या हो गया है डबल हो गया है तो यहां से हमें क्या देखने को मिला जो मास है वो भी क्या हो गया वाटर का डबल हो गया ठीक है तो यहां पे जो मास है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये क्या हो गया डबल हो गया वॉल्यूम के डबल होने से तो ये क्या है एडिटिव है नेचर के अंदर ठीक है एडिटिव इन नेचर बट इसी जगह पे अगर हम लेते हैं बीकर और उसके अंदर हम लेते हैं पानी यहां पे जो हमने पानी लिया है वो किस पे लिया है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है वॉटर ठीक है वाटर लिया हमने बीकर के अंदर और कितने टेम्परेचर पे है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे लिया है और अब हम क्या करते हैं इसकी जो वॉल्यूम है उसको हम डबल करते हैं तो अब हम क्या करेंगे इसकी वॉल्यूम को डबल करेंगे वॉल्यूम डबल करेंगे वाटर की वॉल्यूम को जब हम डबल करते हैं वाटर की पानी की जब वॉल्यूम को हमने डबल किया तो यहाँ पे हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए फिफ्टी डिग्री सेल्सियस बट ऐसा नहीं होता है जो टेम्परेचर है वो क्या है सेम रहता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पहले था और बाद में भी वॉल्यूम के डबल करने से ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ही रहता है तो ये क्या है टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है एडिटिव नहीं है नेचर में तो यहां पे हम क्या देखते हैं वॉल्यूम के डबल करने से जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं होता है वो कितना ही रहता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस आफ्टर डबलिंग दी वॉल्यूम ऑफ दी वाटर तो यहां से हमें क्या बताया चला कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है एडिटिव है नेचर में जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो क्या एडिटिव नहीं है नेचर में उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जब उनको हम स्पेसिफाई कर देते यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या बन जाती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है या फिर जब हम रेशो लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का तो वो क्या हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मे बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हेन इट इज स्पेसिफाइड फॉर अ यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो स्पेसिफाई कर दिया है किस लिए यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए तो वहां पे जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास है वो क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों इसी तरीके से जो वॉल्यूम है वो भी क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वॉल्यूम भी क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बट जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लेते हैं स्पेसिफाई हो गया एक यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए तो यहाँ पे ये यह जो एक्सटेंसिव था और ये भी क्या है हमारी एक्सटेंसिव बट जो हमने स्पेसिफाई कर दिया जो हमारी डेंसिटी आएगी अब तो वो क्या हो जाएगी इंटेंसिव हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे क्या होगी इंटेंसिव होगी बिकॉज यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया मास पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने क्या कर दिया इसको स्पेसिफाई कर दिया तो क्या होगी वो डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या फिर हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या आता है वो इंटेंसिव इन नेचर सो रेशियो ऑफ रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकॉम्स इंटेंसिव इन नेचर बिकॉम्स इंटेंसिव इन नेचर लाइक हम देखते हैं डेंसिटी के केस में मास क्या है एक्सटेंसिव वॉल्यूम क्या है एक्सटेंसिव जो हम दोनों की रेशियो लेते हैं डेंसिटी वो क्या होती है हमारी इंटेंसिव सो मास बाय वॉल्यूम अब यहाँ पे मास क्या है एक्सटेंसिव है वॉल्यूम भी क्या एक्सटेंसिव है जब दोनों की रेशियो लेते हैं एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जब रेशियो हमने लिया तो क्या आई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट इज डेंसिटी तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या है एक? intensive प्रोपर्टी है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दो पॉइंट हमने यहाँ पे मेंस याद रखने हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है एडिटिव है नेचर में जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो एडिटिव नहीं है नेचर में सेकेंडली जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाती है जब उनको स्पेसिफाई कर देते हैं फॉर अ यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टांस या फिर रेशियो जो आता है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का वो कैसा होता है इंटेंसिव इन नेचर सो के स्टूडेंट्स आई होप आपको टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर होंगे अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में